हिमालय में कोई एक महात्मा रहते थे, उनके पास कुछ भक्तजन पहुँचे, कहे कि महात्मा जी आप अपने जीवन की कहानी कुछ बताइए। उस महात्मा की आंख से आंसू आने लगे, कहे कि देखो आप लोग मेरे दर्शन के लिए आए हो, लेकिन मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरी है। पहले मैं एक सेठ था, मेरे साथ का भी एक सेठ था, हम दोनों व्यापार करने के लिए गए हुए थे। मेरे मन में पाप आ गया कि इस अपने इस मित्र सेठ को मैं विष दे करके मार देता हूँ तो इसका सारा धन मेरा हो जाएगा और मैं बहुत जल्दी धनवान ज़्यादा हो जाऊँगा। उसने ऐसे ही किया, रात को भोजन में विष पिला दिया और वो सेठ मर गया। मैंने उसका सारा धन लेकर अपना व्यापार बहुत बढ़ा लिया। मैं नगर में बहुत बड़ा धनवान कहलाने लगा, चारों ओर मेरी प्रतिष्ठा हुई। मैंने विवाह किया और मेरा एक पुत्र हुआ, बहुत सुंदर था। कुछ समय के बाद जब वो युवावस्था में पहुंचा, 16 साल का हुआ, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उसे बहुत लगाव रखता था, मैंने पैसा इतना लगा दिया कि सारा धन उसके ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक रात, आधी रात का समय था, जब मैं सोया हुआ था, अचानक लगा कि वह लड़का मेरी तरफ देखकर गुर्राया। पूछा, क्या पहचानते हो तुम मुझे? कहा कि नहीं। कहा कि याद रख लो, मैं वही सेठ हूँ, तुम्हारा मित्र जिसको तुमने विष दे करके मारा था। मैं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारी सारी संपत्ति को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उस महात्मा जी ने कहा कि मैंने जब सोचा कि मैंने धन के लिए अपने मित्र को मारा और यही मेरा पुत्र बनकर मेरा धन सारा भी बर्बाद भी कर दिया, मैं इसको ले अब रख कर क्या करूँगा, मैं महात्मा बन गया हूँ। आप लोग मुझे पूज्य मानकर तो आए हैं, लेकिन ये मेरी कहानी है कि कभी भी पाप नहीं करना।